अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रजत तार नदीम और अब्दुल वाहिद क्लास नंबर 10 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर मेरे कुछ नए दोस्त अगर उन्होंने ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो वो देख सकें और इसमें हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उससे वो फायदा उठा सकें। मेरे साथ मेरा प्यारा बेटा अब्दुल वाहिद है। पिछली क्लास में इसने 3-4 बालें भी आपको कराई हैं, तो मैंने वीडियो में देखा ये साथ साथ बालें भी करा रहा था, तो मुझे नहीं पता आपने उसमें सिंगल लगाई या चौका लगाया या छक्का लगाया, लेकिन ये बहुत प्यारा और क्यूट सा है। ये साथ साथ खेलता है और साथ साथ मेरा यहाँ साथ देता है, तो इसलिए क्लास की तरफ आते हैं। तो आज हम पढ़े फ्रूट्स। जी हाँ, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो फ्रूट्स के नाम है, कुछ नाम है, ज्यादा जो है ना वो तफसील की तरफ मैं नहीं जा रहा। तो फ्रूट के जो नाम है हम आज वो पढ़ेंगे। तो फ्रूट को ये मेवा कहते हैं, मेवा। तो इसी तरह सेब, जी हाँ सेब, एप्पल। एप्पल को ये कहते हैं आलमा। एप्पल को ये आलमा कहते हैं और केले को ये, यानी के बनाना को ये बनान कहते हैं। केले को ये बनान कहते हैं। माल्टे को ये, यानी के ऑरेंज को ये कहते हैं पुर्तगाल। जी हाँ, पुर्तगाल कहते हैं। और आड़ू को ये कहते हैं, यानी के पिच को ये कहते हैं शफ्ताले। और इसी तरह नाशपाती है, यानी कि पियर को ये कहते हैं आरमूद। अनानास है, यानी कि पाइन एप्पल को ये कहते हैं अनानास। यानी कि ए को ये डबल ए पढ़ते हैं, अनानास। इसी तरह अंगूर है, यानी कि ग्रेप्स, इसको ये कहते हैं उजुन। इसको ये उजुन कहते हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरी है, यानी कि इंग्लिश में भी इसको स्ट्रॉबेरी कहते हैं, इसको ये कहते हैं चेलक। चलाक नहीं, चेलक। चलाक उर्दू जुबान में कुछ और लफ्ज है, क्लेवर। तो इसी तरह हम लोग ये देखते हैं, सेब को ये आलमा कहते हैं, केले को ये बनाम कहते हैं, माल्टे को ये पुर्तगाल कहते हैं, आड़ू को ये शफ्ताली कहते हैं, नाशपाती को ये आरमूद कहते हैं, अनानास को ये अनानास ही कहते हैं, अंगूर को ये ओजुम कहते हैं, स्ट्रॉबेरी को ये चायलाक कहते हैं, चायलाक। तो इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले अब्दुल भाई नाराज हो गया, मैंने इसको कहा है आपने बालें बहुत ज्यादा कराई हैं क्लास नंबर 9 में, तो ये कहता था मैं अगली क्लास में आता ही नहीं हूं। तो मैं आप दोस्तों से ये कहता चलूं कि मैं इसके कमेंट्स ऑन रखूंगा, आपने खुद कहना है कि अब्दुल भाई अगली क्लास में आई या ना आई, ये आपने हमें बताना है। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, लेकिन एक बहुत जरूरी बात, अब्दुल वाहिद ने भी एक चैनल बनाया हुआ है, जी हाँ, मल्टी व्लॉग्स के नाम से। तो आपसे गुजारिश है मल्टी व्लॉग्स, जी हाँ, उसका नीचे मैं हवाला दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें और इसकी भी वीडियोस देखें। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। बोलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।